स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। और आज हम आपके सामने पढ़ते हैं अनुसंधान अभिक्षमता फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। आज महत्वपूर्ण वीडियो है, पढ़ते हैं आज हम अनुसंधान अभिक्षमता के अंतर्गत कार्यशाला। ये दो तीन टॉपिक हैं, सम्मेलन, परिसंवाद और संगोष्ठी, ये क्या होती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्यशाला। कार्यशाला क्या होती है और इसमें क्या चीज़ क्या क्या वर्क होता है। तो कार्यशाला जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्कशॉप। इसमें क्या होता है, इसमें 5 से 10 दिन तक वर्कशॉप चलती। कार्यशाला में क्या होता है, वर्कशॉप में, इनमें 3 से 10 दिन तक वर्कशॉप चलती है। प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान सीखने पर जोर दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। अनौपचारिक होता है, अर्थात खुला व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, इसमें खुला हुआ व्यवहारिक ज्ञान इसमें दिया जाता है। समस्या का समाधान छोटे छोटे ग्रुपों में होता, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इसमें समस्या का समाधान किया जाता। प्रोसेस मतलब ये एक प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है ये देख लेते हैं हम। प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें आपको कोई हेड द्वारा कोई भी कार्य दे दिया जाएगा, कोई भी हेड होगा आपका, आपको कोई भी कार्य दे दिया जाएगा या कोई भी टॉपिक या समस्या दे दी जाएगी। कोई हेड होगा जो आपको कोई भी कार्य या समस्या आपको दे दी जाएगी। यह 2 से 3 दिन, यह 3 से 10 दिन के बीच चलता है, यह 3 से 10 दिन के बीच चलता है। कौन इसके जो प्रोसेस है, छोटे छोटे ग्रुप के विद्यार्थियों को बांट दिया जाता है, इसमें छोटे छोटे ग्रुप में विद्यार्थियों को बांट दिया जाता है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे ग्रुपों में बांटकर एक ग्रुप ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इसमें क्या, छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर कार्य करना होता है इसमें, है नी, कार्यशाला में छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा जाता है। देखो यहाँ छोटे छोटे ग्रुपों में बांटकर इसमें कार्य किया जा रहा है। सबको फ्री अर्थात सबको आज़ादी होती है कि वो अपने अपने माइंड से इसमें वर्क करें। बाद में सुधार का प्रयास भी स्वयं ग्रुप द्वारा ही किया जाता, सुधार का प्रयास भी ग्रुप द्वारा ही किया जाता। बाद में सुधार का प्रयास भी एक स्वयं ग्रुप द्वारा किया जाता है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसमें सुधार भी ग्रुप द्वारा ही किया जाता है। अंत में सब समूह एक साथ मिलते हैं, बाद में ये सारे समूह जो अलग अलग हैं सब एक साथ समूह आपस में मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलकर सभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, सभी अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। फिर अनौपचारिक सुधार हेड द्वारा बताया जाएगा और उसे सुधार अर्थात फॉलो अप किया जाएगा। जो भी जो हेड होगा इनका, जब इन सब एक साथ सब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ग्रुप, तो ये जो है आपको इन पर जो सुधार हेड द्वारा बताया जाएगा जो भी इसमें गलती होंगी और उसे सुधार अर्थात फॉलो अप किया जाएगा, मतलब उसे फॉलो किया जाएगा। इसमें अर्थात कार्यशाला में कोई ना कोई प्रैक्टिकल कार्य दिया जाता, ये जो कार्यशाला इसमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल कार्य हमें दिया जाता, है नहीं। तो आप समझ गए होंगे ये कार्यशाला के अंतर्गत क्या होता है। ये तीन से दस दिन के बीच चलती है वर्कशॉप। इसमें प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाता है, ग्रुपों में बांटकर इसमें जो है अध्ययन इसका किया जाता है। तो ये कार्यशाला हमने समझी, अब पढ़ते हैं हम सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन जो है ये होती है कॉन्फ्रेंस, है नहीं, समझ लेते इसे। ये व्यक्तियों की एक बड़ी सभा होती है, किसी विशेष कार्य समस्या पर चिंतन होता है, इसमें कोई ना कोई विशेष कार्य पर जो चिंतन किया जाता है। इसमें वाद विवाद भी इसमें होता है, सम्मेलन में जो कॉन्फ्रेंस होती है। यह निश्चित समय में होता है, इसका एक निश्चित समय होता है। इसमें चरण होते हैं, इसमें कई सारे चरण होते हैं, जैसे प्रारंभ जो नेता होगा वह विषय के बारे में बताएगा, विचार विमर्श होगा, सभी व्यक्ति विचार विमर्श होगा, इसमें समापन होगा, सभी को धन्यवाद दिया जाएगा, इसमें जितने भी आ गए कॉन्फ्रेंस में आते हैं। पोस्ट कॉन्फ्रेंस,
इसमें क्या निष्कर्ष निकला और इसमें इसमें कॉपी बांट दी जाती है और आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा बना दी जाती है कायमक सम्मेलन में। यह ऐसा होता है जैसे आरक्षण सभा होना, वाद विवाद को लेकर सम्मेलन होना, इसमें अनौपचारिक होता है। ये कैसा होता? अनौपचारिक होता। आपने देखा होगा ये जो जैसे आरक्षण को लेकर कोई सभा सम्मेलन बुला लिया गया है नहीं, या वाद विवाद को लेकर कोई सम्मेलन बुला लिया जाता है, ये अनौपचारिक होता। इसमें कोई मैटर तैयार करके नहीं आते, इसमें कोई भी मैटर तैयार करके नहीं होता, एक तरीके से राजनीतिक ही होता है। बड़े धरने होना इसी की तरह के होते हैं। जो बड़े बड़े धरने होते हैं, बड़े बड़े जंतर मंतर पर बड़े बड़े धरने जो है अरविंद केजरीवाल ने दिए, ये सब क्या था? ये सम्मेलन था। बड़े बड़े सम्मेलन बुला लिए जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तलाक को लेकर बड़े बड़े सम्मेलन बुला रहा, तो इस तरीके से ये होता है। इसमें फॉर्मेलिटी ना के बराबर होती, इसमें फॉर्मेलिटी जो है ना के बराबर होती है। ये जो है यह समाज का एक सम्मेलन होता है, इसमें समाज का होता ना कि किसी कॉलेज का होता। व्यक्तियों की संख्या इसमें अधिक होती, इसमें अधिक होती। इसमें लोग कई मैटर नहीं ले, इसमें कोई भी लोग मैटर नहीं ले लेकर नहीं आते, जिससे वह फ्री होते हैं। वह फ्री होते हैं, कोई भी मैटर इसमें लेकर नहीं आते। सम्मेलन में रूपरेखा आगे के लिए भी निर्णय लिया जाता है। मतलब यह है कि सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस होती है वो एक बड़ी सभा होती है, किसी विशेष कार्य समस्या या चिंतन को लेकर यह सभा होती है। इसमें वाद विवाद भी हो जाता है नहीं, इसमें जो भी नेता मुख्य होता है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें विचार विमर्श होता, जब समापन होता तो सब जो आए हैं लोग उनका धन्यवाद दिया जाता है नहीं, और फिर निष्कर्ष निकाले जाते और आगे के करना उसकी रणनीति बनाई जाती। जैसे आरक्षण को लेकर कोई सभा हो रही है, या आप देखते हैं कोई बिल को लेकर कोई सभा, कोई विशेष समाज जो है कोई ना कोई सभा करता रहता, ये सब सम्मेलन इसी के अंतर्गत आते और बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसमें पढ़ते हैं हम संगोष्ठी। संगोष्ठी क्या होती है? सो संगोष्ठी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सम्मेलन के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पढ़ चुके, कोर्स वर्क के बारे में भी हम पढ़ चुके, वर्कशॉप के बारे में सॉरी। इसके अब पढ़ते हैं हम संगोष्ठी। मतलब संगोष्ठी का मतलब होता है सेमिनार। सेमिनार में पढ़ते हैं हम क्या होता है। इसमें एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह एक सम्मेलन से छोटा होता है। जो सम्मेलन है इस पहले बताया था मैंने, वो सम्मेलन से ये छोटा होता। इसमें विषय विशेष पर चर्चा होती, इसमें विषय विशेष पर चर्चा होती, इसमें भी समस्या पर चर्चा होती है, किसी भी समस्या पर इसमें भी हम चर्चा करते हैं। यह औपचारिक फॉर्मल होता है नहीं, यह कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर होता। ये जो संगोष्ठी है, ये सेमिनार होती है, किसी भी टॉपिक को लेकर चर्चा होती है, किसी विशेष विषय को लेकर चर्चा होती है, जैसे पर्यावरण को लेकर होती रहती है, पीएचडी होल्डरों की सेमिनार होती रहती है, वो इसके अंतर्गत आती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर होती संगोष्ठी सेमिनार। नई दिशा में चिंतन होता है, अर्थात हर व्यक्ति को टॉपिक पर चर्चा करनी होती, इसमें ही थीसिस वगैरह भी इसी में जमा होती हैं, पेपर वगैरह भी जो है इसी में छपते हैं। इसमें संख्या कम होती, इसमें संख्या कम होती, जबकि आपने देखा इससे पहले कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो है संख्या अधिक होती। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा संगोष्ठी ही होती, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो होती है संगोष्ठी ही होती है, मतलब सेमिनारी होती हैं। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो देखते हैं उस पर यूनिवर्सिटी में चर्चा व कर सेमिनार की जाती, सेमिनार होती नहीं हर यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी टॉपिक पर लेकर, हमारे यहाँ भी ज्योग्राफी में भी और भी सब्जेक्टों में लेकर सेमिनार होती रहती, जिसमें अपने पेपर वगैरह भी स्टूडेंट छपवाते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले कोई टॉपिक होता, कोई भी हम टॉपिक लिया जाता है इसमें, फिर उसके बाद विभिन्न विद्वानों का आमंत्रण इसमें होता, आर्थिक सहायता अर्थात विद्वानों को आने जाने का खर्च यूनिवर्सिटी देती, जो भी यूनिवर्सिटी कराती है वो इसमें खर्च देती है। संचालन प्रक्रिया निर्धारित होगी अध्यक्ष द्वारा, वक्ता के बोलने के बाद परिचर्चा होती इसमें, जो वक्ता होता उसके बोलने के बाद परिचर्चा इसमें, वक्ता जो इसमें परिचर्चा करते हैं। अंत में अध्यक्ष के विचार होते हैं, सभी का धन्यवाद देते हैं,
अध्यक्ष निष्कर्ष निकालता है फिर कि जब वे सेमिनार की पूरी कर जाते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं इसमें वक्ता लिखकर लाते हैं, जो भी वक्ता बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखकर वो लाते हैं। सेमिनार कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, जो सेमिनार होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। कैसे होती है हम आप देख लेते हैं। इसके लिए मानो ये जो है ये कैसे सेमिनार होती है, एक टेबल होती, व्यक्ति जो है बारी बारी से जाते हैं और पीएचडी को लेकर इसमें चर्चा होती है, एक टेबल होती, व्यक्ति इधर चारों तरफ बैठ रहे और आपस में चर्चा करते हैं। तो ये सेमिनार ऐसी इस तरीके से होती है, एक टेबल है उसके चारों ओर देखते हैं व्यक्ति बैठे हैं, यानी व्यक्ति बैठे हैं ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और बारी बारी से अपनी इसमें बात रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये चर्चा होती है। तो संगोष्ठी मतलब सेमिनार के बारे में हमने समझ लिया। अब पढ़ते हैं हम परिसंवाद, सिंपोजियम। परिसंवाद सिंपोजियम, इसमें क्या होता, जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना हो तो जब ये परिसंवाद में कार्य होता, सिंपोजियम इसको बोलते हैं, सिंपोजियम। जैसे आरएएस इंटरव्यू होता है, इसमें विद्यार्थियों का संप्रेषण कौशल की जांच, सामान्य ज्ञान, दूसरों को विचारों से सहमत करना, बॉडी लैंग्वेज आदि देखी जाती है। ये जो है ये परिसंवाद जो सिंपोजियम होता है, ये जैसे आईएएस या आरएएस इंटरव्यू होते हैं, ये बड़े बड़े इंटरव्यू जो होते हैं आपके आईएएस का हो या आईएफएस का हो या बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, वो इसके अंतर्गत परिसंवाद के अंतर्गत आते हैं। समूह इसमें क्या होता, इंटरव्यू होता है, इसमें संप्रेषण की खोज होती है, कौशल की जांच होती है, सामान्य ज्ञान, दूसरों को विचारों से सहमत करना, बॉडी लैंग्वेज आदि देखी जाती है। समूह चर्चा होती है, इसमें समूह में चर्चा भी होती है। आप देख सकते हैं इसमें यह है एक ये जगह है, इसमें जो है विद्यार्थी बैठे हैं आपस में चर्चा करते हैं, आपस में इनकी चर्चा को व्यक्ति जो निगाह रखते हैं विद्यार्थियों पर, विद्यार्थियों को एक तरीके से इसमें जो है आपस में डिस्कस कर दिया जाता है नहीं, जैसे इंटरव्यू वगैरह में भी आपस में डिस्कस करने के लिए दे देते हैं कि डिस्कस देखते हैं कि कैसे हैं। इसमें कोई टॉपिक पर केस स्टडी दी जाती है, केस स्टडी विद्यार्थियों को इसमें दी जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कोई केस स्टडी दे दी गई है और इसमें जो है तो किस विद्यार्थी को उसमें केस स्टडी करने के लिए दिया जाता और वहाँ बैठकर जो टीचर होते हैं वो इनको ऑब्जर्व करते हैं, जो इनके परिसंवाद को देखते हैं। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी बातों को, बारीक से बारीक बातों को इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता। बाद में सबको नंबर दिए जाते हैं, इसमें बाद में नंबर दिए जाते हैं, इसमें जो ऑब्जर्व करता होते हैं वो इन्हें नंबर देते हैं। गलती पर नंबर काट दिए जाते हैं, इसमें बाद में रिजल्ट घोषित किया जाता है। जो भी ये चर्चा हुई इसमें केस स्टडी जो विद्यार्थियों को दी गई, ये कौशल की जाँच हो रही है, आपस में चर्चा देखते हैं व्यक्ति में कितना डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट इसमें देखी जाती है स्टूडेंटों की, विद्यार्थियों की। एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चारों जो मेन टॉपिक थे ये ख़त्म हो गए, इसके अंतर्गत हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता, इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए, है नी। मतलब कोई भी महाविद्यालय शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञान के लिए एक सांख्यिकी पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता, इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए। ये जून 2009 और 2004 के एग्ज़ाम में आया भी है, दिसंबर के, ये जून में आया, ये दिसंबर में एग्ज़ाम में नेट के आया भी। उसे क्या महाविद्यालय को क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आयोजित करनी चाहिए, सम्मेलन आयोजित करना चाहिए, संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए, कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए या लेक्चर सभा घोषित
करनी चाहिए। तो इसमें आंसर है इसका कार्यशाला, क्योंकि कार्यशाला में जो शोधार्थियों को जो है शोध कार्य में कार्यशाला दे दी जाती है, उस पर वो उस कार्य को करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कार्यशाला। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे दोनों, सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके सामने बताए गए। संगोष्ठी सेमिनार आपके साथ हो गई, परिसंवाद सिंपोजियम आपके सामने हो गया, कार्यशाला आप वर्कशॉप कैसे क्या होती है यह आपको पता चल गया, और सम्मेलन कॉन्फ्रेंस क्या होती है ये भी आपको पता चल गया। और थोड़ा सा हम और इसके बारे में देख लेते हैं। ये चार टॉपिक मैंने बताया अनुसंधान अभिक्षमता के अंतर्गत, जिसमें पहला कार्यशाला। कार्यशाला में जो है कोई भी एक प्रायोगिक कार्य किया जाता है, ये आपको पता चली गया, छोटे छोटे ग्रुप में बांट के प्रोसेस है एक दिया जाता। सम्मेलन जो है सामाजिक स्तर पर होता, ये अनौपचारिक होता है। संगोष्ठी जो है आपकी सेमिनार जिसे बोलते हैं, ये पीएचडी स्तर पर यूनिवर्सिटी वगैरह में होती है, होती रहती हैं। और परिसंवाद सिंपोजियम ये भी आपका ये बड़े बड़े जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं उनमें आपस में डिस्कस कराते हैं विद्यार्थियों को, उनकी योग्यता की जांच की जाती है एक केस स्टडी के द्वारा, ये इसके अंतर्गत कार्य किया जाता। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।